Hi everyone, welcome to the new vlog. Today I am in Sangol and I am right now standing in front of the Buddhist stupa in Sangol. And this stupa particularly is in Sangol Uchapind. There is a museum also in Sangol which has all the arti crafts which were founded in there with the stupa. So basically jo Sangol hai wo is basically a historical village in Fatehgarh Sahib district of Punjab. और ये कम से कम 40 किलोमीटर्स है फ्रॉम चंडीगढ़ ऑन द वे टू लुधियाना. तो बेसिकली ये जो संगोल है इसको एंशिएंट टाइम्स में संगल द्वीपा कहा जाता था, इसका जो पुराना नाम होता था. और अब जो संगोल है वो एक एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टाउन होता था उस टाइम पे ऑन एंशिएंट ट्रेड रूट. तो ये एक बेसिकली एक मीटिंग पॉइंट होता था ट्रेडर्स के लिए, पिलग्रिम्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए जो काफ़ी अलग अलग जगहों से आते थे ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड, क्योंकि उस टाइम पे ये एक बुद्धिस्ट स्टेट होती थी. इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सकवेशंस हुई हैं जिसमें यहाँ पे कॉइन्स और सील्स मिली हैं. और एक बुद्धिस्ट स्तूपा को इसमें निकाला गया था यहाँ से 1968 में, बट इन फरवरी 1985 इसमें से एक रिच ट्रेजर ऑफ 117 ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन स्लैब्स मिले थे जिसमें कि 69 पिलर्स थे, 35 क्रॉसबार्स थी और फिगर्स एंड फिगरीन्स थी जो यहाँ से एक्सकवेट की गई थी डायरेक्टरेट आर्कियोलॉजी पंजाब ने. तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये जो जितने भी स्कप्चर्स यहाँ से मिले हैं वो कुशाना स्कप्चर्स हैं, कुशान स्कप्चर्स फ्रॉम द मथुरा स्कूल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज एडी. तो ये जितने भी जो भी ट्रेजर्स यहाँ से मिला है इनको एक्चुअली ऑन डिस्प्ले भेजा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इन डिफरेंट म्यूजियम्स. ये जो रूट था जिसे बेसिकली आप सिल्क रूट कह लो या ट्रेडिंग रूट कह लो, तो बेसिकली ये जो कनेक्ट करता था तक्षशिला को विद मथुरा, कौशाम्बी, सरनाथ एंड पाटलिपुत्र के साथ. वैसे इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, उसके आसपास बाउंड्री बनाई गई है, बकायदा एक एंट्री गेट है. दो देयर इज नो टिकट टू कम एंड विजिट हियर. और यहाँ पे स्कल्पचर्स इस बोर्ड पे मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से स्कल्पचर्स यहाँ से मिले थे. तो ये सारा डेटा है यहाँ पे. और दिस साइट इज़ ऑलमोस्ट वेल प्रोटेक्टेड विद बाउंड्री फ्रॉम ऑल द अदर जो खेत हैं इसके साथ साथ के लैंड है जितने भी. सो दिस इज़ वेरी प्रॉपरली मेंटेन्ड. काफ़ी हवा चल रही है, ये ओपन खेत में है एंड बहुत खूबसूरत है. तो प्लीज़ अगर आप संगोल आ रहे हैं या आसपास से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ. ये जो संगोल म्यूजियम है मैंने ये भी विजिट किया, बट ड्यू टू रिस्पेक्ट फॉर दिस हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स एंड टू रिस्पेक्ट टू द म्यूजियम मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया. बट हाँ, इसके जो बाहर ये जो बोर्ड लगा हुआ है जैसे इस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि ये जो एक्सकवेशन थी ये बताती है कि काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है यहाँ पे हैबिटेशन की. फ्रॉम द लेट हरप्पन 2000 BCE टू द मिडिवियल पीरियड इन 17th एंड 18th CE. तो बेसिकली जो साइट थी इसमें सबसे पहले हरप्पन आए थे अराउंड 2000 BCE, फॉलोड बाय पेंटेड ग्रेवेयर, द अर्ली हिस्टोरियन ऑक्यूपेशन एट द साइट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई पीपल यूजिंग ब्लैक स्लिप्ड वेयर एंड नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन 700 to 200 BCE. टाइम जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है वो था सुंगा कुशाना पीरियड BCE 1st to 3rd CE, फॉलोड बाई गुप्ताज इन 4th and 5th CE एंड हुनाज इन लेट 5th and 6th CE एंड किदर कुशनाज. तो बेसिकली यहाँ पे सेटलमेंट अर्ली मिडिवियल से लेके लेट मिडिवियल पीरियड तक रही है जो इस जगह की इम्पोर्टेंस है बेसिकली. तो जो कुशना पीरियड था स्पेशली उस टाइम पे ये जो संगोल था वो बेसिकली एक मेट्रोपोलिस और ट्रेडिंग सेंटर के रूप में बन चुका था. तो सेटलमेंट थी तो एक थोड़ी एक हाइट पे थी जहाँ पे बेसिकली लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी जो बेसिकली एक फोर्ट्रेस के टाइप पे था
कि उसके बीच में पब्लिक बिल्डिंग्स थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, और उसके बाहर स्तूपा था और मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स थी। तो बेसिकली ये जो संगोल जो साइट है, संगोल जो जगह है, वो सिर्फ ये नहीं बताती कि यहाँ पे सिविलाइजेशंस रही थी हरप्पन पीरियड से लेके, लेट हरप्पन पीरियड से लेके मिडिवल पीरियड तक, बट ये भी बताती है कि इस जगह का कितना कंट्रीब्यूशन है इन डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वाइज भी और आर्कियोलॉजिकल वाइज भी इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एज वेल एज इंडिया। बेसिकली अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट है एंड दीज थिंग्स फैसिनेट यू, तो आप दिस संगोल स्तूपा देखने ज़रूर जाइए, उसके बाद म्यूजियम जाइए, या दोनों में से कुछ भी पहले कीजिए। टिकट इज़ जस्ट 20 रुपीज़ पर सिंगल पर्सन। अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्प्ले पे है। क्या फ़ोटो खींचने की कोशिश मत कीजिएगा, वीडियो बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कैमराज लगे हैं, उनको पता चलता है, एंड दिस इज़ इलीगल। तो ज़रूर जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, और औरों को भी बताइए कि वो ज़रूर आएं। और हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है, कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू।